ग्राम प्रधान सकीतरा के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाया। गोवर्धन क्षेत्र के गांव सकीतरा में आज ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप था कि ग्राम प्रधान ने अपनी मनमर्जी से भ्रष्टाचार करते हुए एक तरफा अपने भतीजे को राशन वितरण की दुकान आवंटित कर दी है। वहीं ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया, कुछ विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम प्रधान इस भ्रष्टाचार के खेल को खेल रहा है। वहीं जब इस विषय में ग्राम प्रधान से बातचीत की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। प्रधान द्वारा बताया गया कि उन्होंने दो दिन पूर्व दुकान आवंटित किए जाने से पहले ही गांव में मुनादी करा दी थी। लोग बेवजह उस पर आरोप लगा रहे हैं और मामले को बेवजह तूल देने में लगे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों के आरोप के बाद दुकान आवंटन को निरस्त कर दिया गया है और सोमवार को पुनः इस प्रक्रिया को गाँव वालों की मौजूदगी में सम्पूर्ण किया जाएगा। आज जो यहाँ पर ग्राम पंचायत सकरवा सकीतरा में जो मामला है, क्या मामला था और किस मीटिंग की यहाँ पर बात की गई है? नहीं नहीं, ऐसा है कि ये यहाँ पूर्व में एक राशन की डीलर की दुकान थी, वो निरस्त कर दी जिलाधिकारी महोदय द्वारा। उसमें ये प्रोसीजर होता है कि भाई इसकी जो है ग्राम सभा चयनित करके भेजे वहाँ। तो ये पहले लगाई थी, पहले एक बैठक कैंसिल हो गई थी, दोबारा फिर एक डेट दी गई ब्लॉक की तरफ से। आज वो बैठक थी तो उसमें लोग तो काफ़ी थे, परंतु चूँकि आप जानते हो ग्राम सभा में दो पक्के होते हैं तो दूसरे पक्के को संतुष्टि नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि चुनाव का समय आ रहा है, कोई विवाद पैदा ना हो। तो हमने प्रधान जी से भी कहा भाई जनता इनकी है, ये अपना गांव के डिसाइड करें। उन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए अब गांव के अधिसंख्यक ये चाह रहे हैं कि सोमवार को दोबारा से करा लें। तो हमने इनको एक आज सभी पब्लिक को बता दिया है कि सोमवार को दोबारा से एक ग्राम सभा बैठक कर लेंगे और उसमें राशन डीलर जो भी ये चयनित करना चाहेंगे, जो भी इच्छुक आदमी होगा, जो रिजर्वेशन में आता होगा, मापदंड पूरे करता होगा, उसका चयनित कर लें, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और ब्लॉक इनका नजदीक है सौभाग्य से। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? गोली ठाकुर। यहाँ पर जो पंचायत घर पर प्रधान जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, किस चीज के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं और क्या मामला है यहाँ पर? किस चीज के लगाए जा रहे हैं साहब? दुकान राशन की अगर तुम प्रस्ताव कर रहे हो तो किसी को पब्लिक को सूचित तो किया जाना चाहिए। पब्लिक पे कोई सूचना नहीं है अभी तक और अपने आप पब्लिक को गुमराह करके कहने की राशन की हम शिकायत कर रहे हैं, कहने की एक किलो कम देता है दूसरे डीलर के खिलाफ और पब्लिक को बहका के और अपने भतीजे के अपने लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। ये तो प्रधान जी का फिर क्या कहना है? प्रधान जी से आपने कोई बातें की? प्रधान जी से कहते रहे हम तो, जो कह रहे प्रधान जी से खुली मीटिंग करो एक दो दिन, दो तीन दिन बाद। इस मामले को आपने कोई किसी अधिकारी से बात की? ये सेक्रेटरी साहब से कह रहे हैं, सेक्रेटरी साहब यूं कह रहे हैं कि ठीक है हम कर रहे हैं अपने तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं पब्लिक को सूचित किया जाए और आराम से सोमवार को मंगल को पब्लिक को सूचित किया जाए, प्रस्ताव किया जाए। दोनों गांव, दो तीन गांव लगते हैं इसमें अभी तो। इसमें एक हमारे गांव की पूरी पब्लिक नहीं है, हमारे गांव की नहीं है, एक ही गांव की, तीन गांव, दो गांव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोली ठाकुर। ये जो है यहाँ पर आज जो पंचायत घर पे मामला हो रहा है, क्या मामला है यहाँ पर? ये पंचायत घर पे प्रधान ने बकाई है पब्लिक के, वन की ऐसा है खुली मीटिंग में कर रहे हैं और पहले जबकि राशन की दुकान वन की अटैच में चल रही थी किसी और पे, वन की हम दुकान को अपने परिवार के बच्चे के लिए कर रहे हैं, पब्लिक को बहका के और अपने लिए करने चाहते हैं दुकान। प्रधान जी का क्या नाम है यहाँ पर? मिक्सम प्रधान। मिक्सम प्रधान, तो ये कब से ये मामला चला आ रहा है? दो महीने, दो तीन महीने से अटैच चल रही है किसी और। जो यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, किस लिए हो रही है? कोटा के प्रस्ताव के ऊपर हमें तो मार बनाई, हम तो जानी लड़ाई है कि जनता देख के आए, हम तो कोई सूचित नहीं। तीन गांव का कोटा है, 50 आदमी की जहाँ भीड़ है यहाँ पर। कौन कौन से गांव है? तीन गांव। तीन गांव चौधरी सिंह नगर, हरिपुरा, सकीतरा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो कि सबके सामने हो प्रस्ताव? हम चाहते हैं खुले में हो और तीनों गांवन की जनता हो, जैसे इलेक्शन में होती है ऐसे ही अब हो। बिल्कुल सही। तो तुम्हारा आरोप यह है कि दुबक्के और छुपके किया जा रहा है, जनता को गुमराह करके। हमारे घर के आदमी ना है, कोई आदमी किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेघश्याम। ये जो पंचायत घर पर यहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई है, क्या मामला है? किस राशन की दुकान को हमने मीटिंग करी है, खुली मीटिंग, और शाम को कह दी और सुबह हमने सबसे कह दी। क्या मामला था पूरा? कोई मामला नहीं, राशन का मामला है, राशन की दुकान हो रही है। आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप अपने भतीजे के ऊपर ये दुकान राशन कोई दी जा रही है, क्या मामला है पूरा? ये तो पब्लिक का ऊपर मामला है, पब्लिक कोई कुछ नहीं, इतनी जनता ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो गए तो भाई
राशन की दुकान जनता कह रही है कि राशन आप राशन में भी आप घोटाला कर रहे हो, राशन वगैरह नहीं दी जा रहा। नहीं, राशन का काम तो डीलर का है ना। हमारे काम हमारे यार